गाड़ी चाहिए। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो जरूरी नहीं है, देख कि दिले तो ना हल करे। किसका वाला? दिलेश का हल हुआ ना, हीरो तो साइयों को टारगेट कर रहे हैं और एक डर का माहौल बन रहा है बिहार में। अच्छा, प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अपराधियों को पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही है? अगर ऐसा पकड़ लेती तो अभी दूसरा कॉल हमारे पास नहीं आता, नहीं आता हमारे पास आने के बाद भी आपने कहा कि नीलेश भाई को भी फोन आया। हाँ। तो एक डर का माहौल बना हुआ है। सवाल ये है कि आए दिन हर व्यवसायियों को जो धमकी मिल रही है, आप कितनों को सुरक्षा दे सकते हैं? आपके थाना में कितने स्टाफ हैं जो हर व्यवसाय को आप सुरक्षा दे सकते हैं? अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? जब वो नंबर पर फोन किया जा रहा है तो आपने ट्रैक करने का प्रयास किया या नहीं किया? सब तरह के प्रयास किया जा रहा है, एक दो दिन में समाप्त है कि पकड़ा भी जाएगा। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और फतेहपुर का यह मुख्य बाजार है। आपको बता दें कि एक अपराधी के द्वारा अभी जिसान सिलेक्शन के प्रोप्राइटर के पास फोन किया गया है कि 20 लाख रुपया मुझे रंगदारी दे दो, नहीं तो वही हाल करेंगे जो नीलेश का किए हैं। और नीलेश कुमार वही है, हीरो होंडा हीरो का जो शोरूम है उसके प्रोप्राइटर हैं। उनको भी कुछ दिन पहले धमकी मिली थी, अब फोन कटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी जिसमें एक कर्मचारी जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अभी यहाँ पर भी धमकी मिला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकान में जो बैठे जो यहाँ पर प्रोप्राइटर हैं वो मतलब डर गए हैं। फतेहपुर के व्यवसायियों का ये हाल हो गया है कि प्रशासन अपराधियों को पकड़ नहीं रही है और यहाँ पे जो है व्यवसायियों को लगातार धमकी मिल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद खान है। अच्छा, अभी आपके जो भाई हैं शायद उनका क्या नाम है? भाई का नाम शाहिद खान है। अच्छा, अभी एक व्यक्ति के द्वारा कोई फोन किया था आपको? हाँ, भाई के नंबर पे दो नंबर है हमारे इस बोर्ड पे, एक बड़ा भाई का एक शाहिद भाई का। अच्छा, क्या फोन आया था? तो फोन में धमकी आया, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास में। भाई बोला कि हाँ सुन सकते हो आप, एक सेकंड एक मिनट, ये देखिए रिकॉर्डिंग है, मैं चलाता हूँ अभी। हेलो, हेलो, हाय, हम सुल्तान बोल रहे हैं, बोलो। 20 लाख रुपए चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर। 20 लाख रुपए चाहिए कहाँ के लिए? कॉन्टेक्ट नंबर रंगदारी। हाँ, रंगदारी चाहिए। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो जरूरी नहीं है, देख कि दिले तो ना हल करे। किसका वाला? दिले का हल हुआ ना, हीरो का। हाँ, वही हल करेगा, इतनेगा ही बोल। अरे भाई, कितना पैसा चाहिए? 20 लाख। 20 लाख? हाँ, 20 लाख नहीं देगा। अरे पूछ रहे कितना? 20 लाख रुपए चाहिए। हाँ, 20 लाख चाहिए। 20 लाख रुपए हमारे पास कहाँ से होगा? बोल। हाँ, चलिए तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पर आप साफ शब्दों में सुन सकते हैं, थोड़ा भीड़ हटा देंगे आप लोग, कि 20 लाख रुपया दे दो नहीं तो नीलेश वाला हाल करेंगे। नीलेश वही हैं जिनका हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम है नंदिनी इंटरप्राइजेज, उसके प्रोप्राइटर हैं। उनको भी फोन पर धमकी मिली थी कि 20 लाख रुपया दे दो, उन्होंने मजाक के तौर पर लिया। जैसे ही फोन वो काटते हैं ताबड़तोड़ 5 फायरिंग उनके शोरूम पे की जाती है, उसमें एक कर्मचारी जो घायल हो जाते हैं। देखिए ये जो है इनके भाई के नंबर पर फोन आता है, चूंकि जो बोर्ड पे नंबर लगाया गया है उसी नंबर पर फोन आया है। क्या एक भाई का दुकान हमारे बदंगा में है? अच्छा, और यहाँ पे शाहिद भाई का भी नंबर है 800 वाला। हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर लगाया उस नंबर पे फोन आया, किसी और के नंबर? नहीं नहीं, यहाँ पे वो जो नंबर है, हाँ दोनों नंबर है, तो एक बड़ा भाई चलाते हैं तो उस पे आया ये कॉल। अच्छा, फोन आके फोन पर धमकी दिया? फोन पे धमकी मिला। थाने में आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी जा रहे आवेदन ही देने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप इस चीज को मतलब हल्के में ले रहे हैं, आपको डर है इस बात का? नहीं नहीं, हर किसी को अपने जान का डर होता है, क्योंकि आप मतलब देख चुके हैं आंखों हाल, क्योंकि नीलेश कुमार को भी धमकी मिली थी और जैसे ही फोन कटा था ऐसे ही गोली चली। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ब्रेकिंग न्यूज में ये बता दूं कि अभी जस्ट मैंने थाना प्रभारी से बात किया तो पता चला कि जब इनको फोन करके धमकी दी गई, फोन कटते ही फिर से नीलेश कुमार को धमकी मिली है। आज आधा घंटा पहले फिर से नीलेश कुमार को धमकी मिल रही है कि तुम 20 लाख रुपया तुम दोगे या नहीं दोगे। अभी तुरंत उनको भी धमकी मिल रही है, मैं उनसे भी बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या सच्चाई है। लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो व्यवसायियों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, व्यवसायियों को टारगेट कर रहे हैं और एक डर का माहौल बन रहा है बिहार में। अच्छा, प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अपराधियों को पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही है? अगर ऐसा पकड़ लेती तो अभी दूसरा कॉल हमारे पास नहीं आता, नहीं आता हमारे ना? पास आने के बाद भी आपने कहा कि नीलेश भाई को भी फोन आया। हाँ। तो एक डर का माहौल बना हुआ है सभी। जी जी, अभी हमारी थाना प्रभारी से बात हुई है
कि जैसे ही इनका फोन कटा है उनको फिर से भी फोन आया हुआ है और थाना प्रभार के सामने बात हो रही है कि 20 लाख रुपया मुझे दोगे या नहीं दोगे। यह झंडा चौक का बाजार है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बाजार है, यहाँ व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है। फतेहपुर में जंगल राज जो है वो फिर से शायद आ चुका है और अपराधी जो है वो व्यवसायियों को टारगेट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना दुकान है, सभी अपने बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े दुकान खोल के यहाँ बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन इनको धमकी मिल रही है। आखिर इस तरह से अगर फतेहपुर में आतंक फैलेगा तो व्यवसायी कहाँ जाएंगे, फतेहपुर का जो प्रगति है वो रुक जाएगा। आखिर प्रशासन विफल क्यों है, प्रशासन जो है अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या करते हैं आप? कपड़ा दुकान। अभी उनको धमकी मिला है कि 20 लाख रुपया दोने तो गोली मार देंगे, आपको भी धमकी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? कड़ाई करें। कौची कड़ाई करें? मतलब जो इस तरह के गुंडेबाजी आरोपी को पकड़े ना, तो ऐसा बोलिए ना, कड़ाई क्या करेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है अभी दुकानदारों का वो हाल बेहाल है, किस तरह से भीड़ लगा हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि जो अपराधी है बहुत चतुर है, जो कहता है वो करता है, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले नीलेश कुमार को फोन पर धमकी मिली और फोन कटते ही गोली चली है। अभी हम चलेंगे हीरो शोरूम के पास में, जहां नीलेश कुमार को वापस से धमकी मिल रही है कि जो पैसा 20 लाख रुपया नहीं दोगे दोबारा वही हल करेंगे जो पहले हम कर चुके हैं। चलिए हम चलते हैं अभी हीरो नंदिनी इंटरप्राइजेज के शोरूम के पास, आ जाइए। चलिए अभी यहाँ पे जो है नीलेश जी को जो धमकी मिला है तो यहाँ पे थाना प्रभारी शायद मौजूद हैं, और मैं जानना चाहूँगा इनसे कि सर अभी जस्ट हीरो शोरूम के प्रोप्राइटर को धमकी मिली है, और मैंने आपको अभी फ़ोन पर सूचित किया कि एक और जो झंडा चौक पे दुकान है जिसान सिलेक्शन, उनको भी फ़ोन पर धमकी दिया गया अपराधियों के द्वारा कि 20 लाख रुपया दो। आखिर एक सप्ताह से लगातार फतेहपुर में गोलीबारी हो रही है, इस तरह से व्यवसायियों को धमकी मिल रही है, प्रशासन क्या कर रही है सर? हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, नीलेश जी का सुरक्षा के लिए गार्ड भी लगा दिए हैं और इन पर हम लोग काम कर, इस पर बहुत जल्द हम लोग पटाक्षेप कर लेंगे। सवाल ये है कि आए दिन हर व्यवसायियों को जो धमकी मिल रही है, आप कितनों को सुरक्षा दे सकते हैं, आपके थाना में कितने स्टाफ हैं जो हर व्यवसायी को आप सुरक्षा दे सकते हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? फतेहपुर के व्यवसायी यह निश्चिंत रहे ना कि प्रशासन जो है वो सख्त है, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल निश्चिंत रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो सिर्फ डरा धमका कर पैसा लेने की बात कर रहा है, उसका उद्देश्य है किसी तरह से दहशत फैला कर पैसा लेना, और हमको हम लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। अच्छा, नीलेश जी पर जो गोली चली थी, मतलब क्या ऐसा लगता है आपको कि कोई ऐसे अपराधी हैं जो व्यवसायियों को डरा धमका कर पैसा उगाही करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सनली इशू को लेकर इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं? नहीं, पर्सनली इशू तो नहीं लग रहा है, उसका मेन उद्देश्य है किसी तरह से दहशत फैलाकर पैसा उगाही करना। मतलब फतेहपुर में व्यवसायियों के ऊपर वर्चस्व बनाए, उसे पैसा वसूले, है ना? हाँ, ये उन लोग का लग रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तैयार हैं आप? हाँ, तैयार है। चलिए तो थाना प्रभारी जो सख्त मूड में है, बोल रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, फोन ट्रैक किया जा रहा है और जैसे ही पता चलता है अपराधियों को तुरंत गिरफ्तारी कर दी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के शासन प्रशासन से कि आप अलर्ट मोड पे आ जाए, आए दिन बिहार में हत्या लूट कांड इस तरह से व्यवसायियों को धमकी मिल रही है तो बिहार का नाम खराब हो रहा है। क्या 90 दशक वाला फिर से बिहार वापस आ गया? सवाल यह है। जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपराधियों पर लगाम लग सके। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। प्रशासन से पहुंचने से पहले मैं पहुंचूंगा हर उस व्यवसायी के पास जिनको लोग सताने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह का काम करने में मुझ पर भी खतरा हो सकता है, कलो के हमारे ऊपर भी किसी तरह का गोलीबारी हो सकती है, क्योंकि मैं जो है वो व्यवसायियों को जो दबे हुए हैं उनका आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी खतरा हो सकता है। लेकिन मैं यही जानता हूं कि जब दुनिया में आया हूं तो संघर्ष करूंगा और लड़ूंगा और गरीबों के सपोर्ट में और अपराधियों के विरोध में आवाज़ उठाने का काम करूंगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।